धार्मिक गीत बजा रहा था, जिस पर सीताराम के पड़ोसी नंदराम यादव ने आपत्ति जाहिर की। नंदराम की पत्नी का नाम शीला है, जिसकी वजह से वो कल रात इसी गीत को लेकर फिर से भड़क गया बजाने को लेकर, और उसने सीताराम और उसके परिजनों पर पर्चा कुल्हाड़ी लाठी से हमला बोल दिया। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सुनी है, लेकिन मामला दर्ज है। गीत बजाने को लेकर ये पूरा मामला हुआ। दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, तीन लोग घायल हुए, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद मामला कायम किया। मामला गीत को लेकर है। अगर ज्यादा जानकारी की तरफ अगर जानना चाहेंगे, पुलिस ने मामला कायम नहीं किया है, हालांकि दोनों पक्षों की शिकायत सुनी है। आपकी बातचीत हो पाई होगी, क्या जानकारी? इस मामले में क्योंकि अभी जिला अस्पताल से इनके मेडिकल की रिपोर्ट नहीं पहुंची है पुलिस चौकी तक, इस कारण से मामला दर्ज नहीं किया। इस मामले में अभी हमारी बिहार थाना की आईजीएस पांडे से बात हुई थी, उनका कहना था कि जैसे ही बुलाया जाए रिपोर्ट उनके पास पहुंचे भी उस मामले में वो मामला दर्ज करेंगे। साथ ही पुलिस ने अपनी एक टीम को बरकटी गांव है वहां पर भेजा हुआ है मामले की जानकारी देने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जाने को लेकर है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दमोह कोर्ट के न्यायाधीश ने मुन्नी बदनाम हुई जाने को लेकर हत्या के साथ जो अश्लील टिप्पणी की गई थी उसको लेकर आरोपियों ने जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दिया था। एक तो आज ये दूसरा मामला है जो अश्लील गानों को लेकर दमोह में इस तरह के हालात निर्मित हुए। ये गीत सरकार की तरफ जब गए हैं तो पूरे संघर्ष को भी अंजाम दिया जा रहा है इनका गीतों के जरिए, लोगों में कितनी नाराजगी? लोगों में काफी नाराजगी है, और खासकर उन परिवारों पर घर से निकलना मुश्किल है जिनके परिवार में मुन्नी नाम की और शीला नाम की कोई महिला है, क्योंकि घरेलू तौर पर पुराने समय के हिसाब से आज की बुंदेलखंड के अधिकांश घरों में जो छोटी बच्चियां होती हैं उनका नाम मुन्नी रखा जाता है, या जो ग्रामीण परिवार की महिलाएं होती हैं उनका नाम शीला रखा जाता है। जाना चाहेंगे ये घटनाक्रम किस तरह से हुआ, किस तरह से दोनों वृद्धों के पक्ष के आपस में भिड़ गए? आपको बता दें कि ये जो नंदराम है जिसके घर के सामने जो टीकाराम यादव रहता है, इनके साहु भाई मंगा से आए हुए थे, अपने मोबाइल पर लगातार तीन बच्चे शीला की जवानी गाना लगातार बजा रहे थे, उसको लेकर नंदराम के परिवार द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, परंतु इस शब्द पर कोई असर नहीं हुआ। कल रात में जब इनके बीच में झगड़ा हुआ था तो मोबाइल बजाने वाला इनका साहु भाई है वो भाग गया और ये दोनों परिवार के लोग आपस में थे। शुक्रिया आपका, खबर पर जानकारी देने के लिए।